चंडीगढ़ के नए प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने अपनी पहली ही मीटिंग में अफसरों को हिदायत दी थी कि चंडीगढ़ में पारदर्शी तरीके से काम हो, इस कड़ी में कदम उठाए जाएं। इसी दिशा में चंडीगढ़ में अब स्टेट ऑफिस में आज से 16 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ स्टेट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसकी लॉन्चिंग खुद प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने की। इस दौरान प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि 6 महीने तक चंडीगढ़ में पारदर्शी तरीके से काम हो, इस दिशा में काम किया जाएगा। सभी सर्विसेज को कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन किया जाए। वह अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह खुद भी अपनी टेबल पर एक दिन से अधिक फाइल नहीं रखने देते। ऐसा ही वह प्रशासन के अधिकारियों से भी अपेक्षा करते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस में सभी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रहता है, जिसके कारण लोगों की काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें बार बार स्टेट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है, लेकिन अब सभी सर्विसेज ऑनलाइन होने से लोग अपने घर बैठे बैठे अपनी फाइलें देख सकेंगे। It is difficult to track files. Sometimes it is very difficult where the file is lying, on this table or that table or where it is. Sometimes it is there. So I think you have done a wonderful work. Now it will be very easy. You will know on which table the file is and lying for how many days. That will also to be known to everybody. I say, and I can boast also, I was minister, and I told in one of the officers' meeting that it was a rule as such. I used to leave the office, and not even a single file used to be on my table. I used to clear everything. And one of my friend, very close friend, he came to me. बोले भाई साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा व्हाट इज द रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट ये है कि मेरे दोस्त की सही काम है, वो फाइल आपकी टेबल पे है, उसको कर दीजिए। मैंने कहा आपको कब मालूम पड़ा? बोले 3 दिन पहले उन्हें मालूम किया। अरे अब 3 दिन पहले तुम्हारे पीएसए किया होगा? मैंने कहा ठीक है, आपने डिटेक्टिव का काम बढ़िया किया, परंतु 3 दिन पहले यदि आपकी इन्फॉर्मेशन है तो वो फाइल डेफिनेटली मेरे यहाँ से क्लियर होके 100% चली गई है। ये बात तो बोले क्या किया? हमने कहा न्याय किया। अब क्या हुआ होगा अब तुम मालूम कर रहे हो। तुम्हारा सही काम होगा तो हो गया, और गलत होगा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये भी ध्यान में रखिए। सो देयर इज नो नाउ डेफिनेटली नोबडी नीड टू परस्यू द फाइल्स, नोबडी नीड टू अप्रोच द ऑफिसर्स। इफ इट इज परफेक्ट then only you can depute one PRO. एडवाइजर धर्मपाल ने बताया कि प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को घर बैठे सभी सर्विसेज मिले और ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। इसी दिशा में आज यह शुरुआत हुई है। अभी स्टेट ऑफिस का डिजिटलाइज किया गया है, इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी और इसी दिशा में वह आगे भी कदम उठाएंगे। इसमें मेरा, जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी कहा कि हम लोग जो ज़्यादातर हमारा कोशिश ये है कि फेसलेस डिलीवरी ऑफ सर्विस पे हमारा जोर है, और आपको घर बैठे सर्विसेज मिले, हमारे आपको दफ्तर में आने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी आप रिक्वेस्ट ऑनलाइन भेजेंगे उसकी स्टेटस क्या है, वो किसी भी किस स्टेज पे है, कहाँ पेंडिंग है, कितने दिनों से वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है और कब तक हो जाएगी, वो सारा स्टेटस आपको घर पे या मोबाइल डिवाइस पे मिल जाए। तो बेसिक हमारा पर्पज़ यही है कि आपको ज़्यादा हैसल फ्री डिलीवरी ऑफ सर्विस आपको दी जाए। सर कितनी सर्विस जो है? 5 आज लॉन्च हुई हैं और 16 टोटल हैं, और रिमेनिंग विद इन ए मंथ और सो
उसको लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ टोटल विदाउट एनी हैसल्स ये सारा इसको सर्विस को डिलीवर किया जाएगा। और SMS के थ्रू जोड़ा गया है, अभी ईमेल का भी ऑप्शन इसमें दिया जा सकता है। अगर SMS कर सकते तो ईमेल के साथ भी डिलीवर किया जा सकता है। एट द मोमेंट SMS गेटवे के साथ इंटीग्रेशन है।